जय जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। 7 जून से लेकर 13 जून 2021 तक का साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण आप यही समझ लीजिए कि चंद्रमा का भ्रमण बहुत अच्छा है और मंगल कर्क में जा चुके हैं, बुध ऋषभ में जा चुके हैं, शुक्र जो है वो मिथुन में है। तो चलिए हम देखते हैं। अब तो जब ये सप्ताह अंत होगा तब सूर्य जो है उनका मिथुन में प्रवेश होगा, लेकिन तब तक इस सप्ताह का आनंद उठाइए। और अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक पर इन सभी ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि, अब आपके लिए यात्राओं में आपको आनंद मिलेगा, पैसे धन व्यवसाय आएंगे और नीच के मंगल आपको घरेलू परेशानियों से त्रस्त कर सकते हैं। घर में झगड़ा फसाद ना करें, माता की तबीयत का ध्यान रखें। वृषभ राशि, आपके लिए घर से पैसे परिवार से सुख और चेहरा बड़ा आकर्षक दिखेगा। हालांकि यात्राओं में हो सकती परेशानी, छोटे भाई बहनों से आपका मनमुटाव और आप व्यवसायिक रूप से सोचना शुरू कर देंगे। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में व्यवसायिकता खर्चे संभल के करेंगे, लेकिन व्यवसायिक रूप से आप बहुत ज्यादा ऐशो आराम खुशी में और आनंद में आएंगे। आप ज्यादा एंजॉय करेंगे जिंदगी को, लेकिन परिवार नहीं करेगा और हो सकता है परिवार पर अंधाधुंध खर्च हो। कर्क राशि, आप अपने आप को कहीं पर गुस्सेबाज पाए, आपको क्रोध ज्यादा आए तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अब नीच के मंगल आपके कार्य जो हैं वो नहीं बना रहे और जो हो रहे हैं उसमें बाधाएं ला रहे हैं। हालांकि आपके प्रेम संबंध होने की पूरी संभावना है और आपको पैतृक संपत्ति से लाभ व्यावसायिक रूप से हो सकता है। सिंह राशि, आपके लिए कार्यों में अब आप थोड़ी धीमी गति में आएंगे, लेकिन आपका काम धीमे धीमे चलता रहेगा, धन लाभ होगा, अपने काम से धन लाभ बनाने की सोचेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में झगड़े और हो सकता है कि आपके खर्च विदेश रिलेटेड यात्राओं पर अंधाधुंध हो, जो कि नहीं करने चाहिए। कन्या राशि, आपके लिए भाग्योदयकारी स्थितियां पैदा होंगी, आपके बड़े भाई बहन साथ देंगे, आप व्यवसाय के लिए बाहर जाने की सोचेंगे, काम की जगह पर आपको एंजॉयमेंट, आर्ट मीडिया से रिलेटेड, कला से रिलेटेड काम में फायदा, लेकिन धन आगमन अभी रुका रहेगा और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद उलझे रहेंगे। तुला राशि, आपके लिए अब आपकी हेल्थ को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ अच्छे भाग्योदयकारी आर्ट मीडिया कला से रिलेटेड अवसर, लेकिन आपको कार्यों में बहुत जल्दी कार्य न होके और झगड़ा चिड़चिड़ बाधाएं ये सब हो सकती हैं, संभल के करें। वृश्चिक राशि, लग्न का मालिक नीच का होने के कारण कार्यों में बाधाएं और आपके बड़े भाई बहनों से मनमुटाव या यात्राओं में बाधा, लेकिन फिर भी आप रोमांटिसिज्म में रहेंगे, घर की स्थितियों को एंजॉय करेंगे, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। धनु राशि, आपके लिए विरोधियों के साथ आप बड़ी समझ के चाल से चलेंगे और अब आपको विवाहित जीवन में सुख मिलने वाला है, व्यवसायिक पार्टनर से भी आपकी खूब छनेगी, हालांकि तबीयत आपको संभालनी पड़ेगी, बीपी, कोई चोट, कोई हद से ज्यादा गुस्सा करना, इन सब चीजों में आप सजग रहिएगा और शादीशुदा जिंदगी में अलगाव मत कीजिएगा। मकर राशि, आपके लिए बच्चे और आप दोनों ही व्यवसायिक रूप से सोच के अपना वीजा लगाना, पढ़ाई के लिए आगे सोचना, इन सब बातों के लिए सोचेंगे। आपको अभी फिलहाल लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं, उसके लिए आपको अपने विवाहित जीवन में संभल के बातचीत करना, व्यवसायिक पार्टनर के साथ संभल के चलना, ये दोनों ही बातें करनी पड़ेंगी। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि घरेलू व्यवस्थाएं आप बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते हो रहा है। आपकी माता से आपको फुल सपोर्ट है, बच्चों से आपको फुल सपोर्ट है, मन और बुद्धि एक आनंददायी स्थिति में है, लेकिन विरोधी बड़े उठ खड़े हुए, उनको जलसी है आपसे, संभल के रहिएगा और आप अपने किसी भी प्रकार से कार्यों में बाधा ना उत्पन्न हो इसका भी ध्यान रखिएगा, पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए कि यात्राओं में आपके काम अगर सुस्त चलने लगे, आस्ते चलने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए, तो माता से सहयोग लीजिए, विवाहित जीवन के जोड़े से सहयोग लीजिए, काम बनेंगे, घरेलू व्यवस्थाएं माता के सपोर्ट से बनेंगी, घर में सुख आनंद मिलेगा। और लेकिन आपके बच्चे आपसे हो सकते हैं नाराज, वो कर सकते हैं क्रोध, और उनसे थोड़ा स्पेस बना के चलिए, अपनी पढ़ाई वगैरह की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक बना के रखिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको
ये सप्ताह 7 जून से लेकर 13 जून तक का साप्ताहिक राशि फल कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है 10 तारीख को जो के नहीं दिखेगा, इसलिए उसके विषय में चर्चा करना बेकार है। हाँ, अगर आप चाहते हैं बहुत ज्यादा आपको जानकारियां मिले एस्ट्रोलॉजी की तो सुनते रहिए मेरा कार्यक्रम शहर ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम रोज सुबह 6 से 7। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। 92.7